उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित महानिर्माणी अखाड़े के महंत प्रकाशपुरी महाराज के यहां से जाने के बाद अब उनके स्थान पर नए गादीपति के रूप में विनीत गिरी महाराज पदासीन हो गए हैं, जिन्हें शुक्रवार को अखाड़े की विधि अनुसार उन्हें गादी सौंपी गई है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती व ओंकारेश्वर मंदिर में पूजन की जिम्मेदारी निभाने के लिए महानिर्वाणी अखाड़े ने महंत विनीत गिरी को नियुक्त कर दिया है। महंत विनीत गिरी महाकाल मंदिर पहुंच गए हैं। उन्हें देवास धर्मशाला में अस्थायी रूप से रुकने की व्यवस्था की गई है। महंत के रूप में अब वे मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती में भगवान को भस्म अर्पित करेंगे। भस्म अर्पित करने का अधिकार नागा सन्यासी को है। नए महंत के आ जाने से मंदिर में अब पूर्ववत व्यवस्था होगी। शुक्रवार को 13 अखाड़े के साधु संत और महंतों के बीच अखाड़े में चादर विधि की रस्म अदा की गई। महाकाल मंदिर में चादर विधि रस्म के दौरान मंदिर प्रशासन के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बंधु, जैसा कि आपको याद है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की महंत गादी परंपरा महंत महाकाल के अंतर्गत प्राचीन परंपरा सदियों से चलती आ रही है और ये मेरा परम सौभाग्य है। महापुरुषों संतों के आशीष से अब महाकाल की कृपा से ये सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो अपना तो एक ही भाव है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। इस भाव को लेकर के इस पूरे प्रांगण में किस तरह से हम बेहतर कार्य कर सकते हैं, सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा और सभी लोगों के मार्गदर्शन में इस व्यवस्था को कैसे और व्यवस्थित हम कर सकते हैं, चाहे उसमें प्रशासन हो, चाहे उसमें हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग हों, पुजारी वर्ग के लोग हों, पंडे हों यहाँ के, या आप पत्रकार बंधु हैं, या यहाँ के भक्तजन हैं, लोकल अवंतिकापुरी के उज्जैनी नगरी के जो मूल निवासी हैं, सभी के सहयोग से बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाएगा। अखाड़े ने विनीत गिरी जी को यहाँ महंत नियुक्त किया है। तो महंत दयापुरी जी अखाड़े के पूर्ववर्त जो महंत पद उनको था, क्योंकि वो श्री महंत रहे जमात के, और हरिद्वार की शाखा में कुंभ का जो आयोजन होगा उसमें व्यवस्था के लिए अखाड़े के अधिकारियों के द्वारा उनका यहाँ से स्थानांतरण किया गया है। उसका इस अखाड़े से कोई संबंध नहीं है, वो निजी व्यक्ति कोई किसी को मुख्तियारनामा दे सकता है। आनंदपुरी जी जूना अखाड़े संबंधित हैं, वो भी हमारे संत हैं, और महाराज श्री जी का कोई कार्य विशेष या कोर्ट कचहरी कहीं जाने उन्होंने दिया होगा। ये आपसी हमारे अखाड़ों का एक समन्वय है। कोई भी अखाड़े का कहीं स्थान होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो वहाँ जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि की एक प्राचीन संस्था श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, भगवान महाकालेश्वर की शुभ आशीर्वाद और उनके पवित्र चरणों में आज ये गद्दी परंपरा का निर्वहन जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के सभी श्री महंतगण, सचिवगण, कारोबारीगण और अन्य अखाड़ों के उपस्थित सभी संत महंतों के सानिध्य में, प्रशासन के सभी अधिकारीगण और हमारे यहाँ जो ब्राह्मण समाज के हमारे पुरोहित जो पुजारी हैं सबके, और जनता के जो भक्तजन हैं सबके सहयोग से कार्यक्रम आज ये संपन्न हुआ है। जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका, धर्म की जो रीति नीति है और एक सन्यासी का जो कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, क्योंकि हम सब लोग शिव का अंश हैं और शिव के गण हैं, और अखाड़े के नागाओं की एक परंपरा रही है जो भस्म आरती का मुख्य जो यहाँ पूजा का विधान है उसका पालन अखाड़े के द्वारा पहले भी परंपरा से जो चला आ रहा है उसको अच्छे रूप में, और हमारा प्रयास रहेगा एक अच्छे युवा सन्यासी को अखाड़े के द्वारा यहाँ नियुक्त किया गया, और हमें आशा है कि उस कार्य को अपनी सत्य और निष्ठा से पूर्ण करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।